मंदिर में सारा इंतजाम हो गया ना, मंडप और बाकी सारी चीजें। क्या भाई, कल सुबह का मुहूर्त है। पापा यहाँ फेरे गिनती रहेगी और वहाँ कुछ और ही हो जाएगा। आप जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है पापा, बस एक ही चीज की कमी है। काश आप आज यहां होते। माता पिता की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है बेटे, पर तेरी शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। मैं जानती हूँ दादी, वो तो अंकल को किसी काम की वजह से कोलकाता जाने पड़ा, इसीलिए पापा की कमी महसूस हो रही। बेटा, काम सरकारी ना होता ना तो वो कभी नहीं जाता। अभी भी उसकी जान यहीं पर अटकी हुई है। हर आधे घंटे में फोन कर रहा है, तेरे बारे में पूछ रहा है, तैयारियों के बारे में पूछ रहा है। जल्दी तैयार हो जा, मैं अभी आई। तैयार हो सानिया? शादी के बाद हर इंसान की जिंदगी बदल जाती है। चार घंटे हैं, अब एग्जैक्टली 3 घंटे और 20 मिनट बचे। मैं समझ सकती हूँ सानिया, ये वक्त कैसे कट रहा होगा, धीरे धीरे, हौले हौले। नहीं भाभी, मैं तैयार हूं। बहना जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ राघव भैया, चलिए हम तैयार हैं। अरे यहाँ हम सब चलने के लिए तैयार हैं, और लगता तुम्हें किसी का इंतजार है। और देर कर दी ना तो शादी के बाद पहुंचेंगे शीतल रानी, चलिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो आभा कहीं नजर नहीं आ रही है। भाभी, आभा अपनी सहेली के घर गई है, वहां से सीधे स्वर्ण भवन पहुंच जाएगी, आप चलिए। आभा? हाँ सच? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, तुम दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए हो ना? ओके। अच्छा हाँ, करण ठीक है ना? ओके बाय। चलिए माँ। दीदी, आभा कहीं जा रही है क्या? किसके साथ? आप तो अभी भी कह रही थी कि वो उसके साथ। तुम्हें संस्कार की शादी से मतलब है या आभा के जाने से? हैं? चलिए। अरे चलो, देर हो रही है, चलिए। आइए ठाकुर साहब।
नमस्कार। कुछ मदद करें आप? नहीं। किसे ढूंढ रही है आपकी नजर? अब क्या कर रही हो? What are you doing? हाँ, संस्कार कहाँ है? मुझे उसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज उसकी शादी है। Of course, अपने कमरे में तैयार हो रहा है। कम से कम आज तो खुफिया पुलिस की तरह खबरें लाना छोड़ दो मामी जी। मगर कुछ काम तो आ रही हूँ ना मैं। मुझे उसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर ये खबर उस तक नहीं पहुंची ना तो ये शादी होके रहेगी। 2 घंटे बचे हैं शादी में। हाँ, संस्कार। अरे मामी, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ, लग तो अच्छे रहे हो, मगर जिस दुल्हन के सपने तुम देख रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो वो किसी और के साथ उड़ जाए। मतलब? मेरा मतलब ये है कि जिस आभा से तुम शादी के सपने देख रहे हो ना, वो तो करण के साथ उड़ने की तैयारी कर रही है, और वो भी इस देश से बाहर। ये क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो सच है। मैंने अपनी आंखों से हवाई जहाज के 2 टिकट देखे हैं। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। Not reachable. क्या हुआ? Not reachable है। कहीं वो सच्ची में प्लेन में तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ हो तुम? तुम्हें याद है ना, अगर तुम यहाँ वक्त पर डिवोर्स पेपर्स लेके नहीं पहुंचे तो ये शादी नहीं हो। नहीं संस्कार, हम रास्ते में ही हैं। हद करती हैं आप। हर बात को बढ़ा चढ़ा के करने की आदत है आपकी। हर बार यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, हर बार। प्लीज, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। प्लीज, 1.5 घंटे में मेरी शादी और आप कह रही कि आप भाग गई। अगर नहीं सुनी ना मेरी बात तो बाहर भी जाओ। मुझे क्या है? जब धोखा खाओगे ना तब पता चलेगा। बड़ा आया मुझे डांटने वाला। के लिए आ गया। ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धस्वा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नो वताक्ष अरिष्ट नेमी, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये आभा और करण नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब वर और वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाएं। सबसे पहले कन्या वर को माला पहनाएगी, फिर वर कन्या को पहनाएगी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि ओम। अब आप दोनों लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। आप पुष्प लीजिए, आप भी लीजिए, और हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करें।
पुष्प छोड़ दीजिए। पुष्पम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लीजिए, आप भी लीजिए। वो दीपम देव स्वरूपम कर्म साक्षी आविद कर दिया कर्म समाप्ति से आते तो हाँ सुस्थिरो भाव। अब वर और वधु का गठबंधन के लिए आ जाइए। बलम तम दिनम तदैव लक्ष्मी बलम तम स्मरामि। ओम गणनात्वा वामहे। गणेश जी का ध्यान कीजिए, दीप देव का ध्यान कीजिए, कलश देवता फ्यो नमः। कलश देवता का ध्यान कीजिए, मात्र पितृ चरण कमलों को नमः। इष्ट देवता फ्यो नमः, वास्तु देवता फ्यो नमो नमः। अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े हो गए। दादी जी वो करण कहाँ है? अरे बेटा काम के लिए करण बाहर गया है, आ जाएगा। तू अपने फेरे पूरे करना। कहीं सच में आभा करण के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। This is not possible। अब फेरे शुरू होंगे। पहले फेरे में वर आगे चलेगा, कन्या पीछे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। अब दूसरा फेरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब तीसरा फेरा लीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। चार फेरे पूरे हो गए। पांचवे फेरे में वधु आगे चलेगी, वर पीछे। Thank you.
वधु आगे चलेगी वर पीछे। अब आपके साथ फेरे पूर्ण हो गए। अरे पंडित जी, अभी तो छठवां फेरा ही हुआ है, आपको इतनी जल्दी क्या है शादी कराने की? क्या कह रही हैं आप, मैंने पूरे गिने हैं, सात फेरे हुए हैं। सात नहीं, छठवां हुआ है, सातवां बाकी है। ऐसा नहीं है जजमान, आप कह रही हैं गलत, आपसे भूल हो सकती है, लेकिन मैंने पूरे सात कराए हैं। सात नहीं पंडित जी, मैं फेरे गिन रही हूँ। चार फेरे हुए जब वर आगे थे, दो फेरे हुए जब वधु आगे थे। नहीं आप, छह फेरे पूरे हुए पंडित जी, सातवां बाकी है। सातवां फेरा करवा देता हूं जजमान आपके लिए। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश। जब तक मैं तुम्हारे और करण के डिवोर्स पेपर्स नहीं देख लेता, मैं तब तक मैं सानिया के साथ सातवां फेरा नहीं लूंगा।